कुछ साइंटिफिक स्टडी है, कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको मैं आज बताऊंगी, इनके नाम बताऊंगी, जो अगर आप यूज करती हैं तो रोक दीजिए, बंद कर दीजिए, उसके साइड इफेक्ट समझ लीजिए कि किस तरीके से वो आपके प्रेग्नेंट होने की क्षमता को खराब किए जा रही है। सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब सहेली चैनल। कौन सी दवाएं अगर आप खा रही हैं तो आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस घट जाते हैं, आइए उनको हम समझते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब्सक्राइब बटन को टच कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए ढेर सारी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, और जो आपके लिए और बहुत सारी महिलाओं ने उसे कंसीव किया है, अपनी लाइफ में बेटरमेंट फील किया है। तो मैं आपको दवाओं के नाम बताना चाहूंगी। कई दवाएं ऐसे होती हैं, स्टेरॉयड होती हैं, एक कैटेगरी होती है स्पेसिफिक स्टेरॉयड की, अगर आप वो लेते हैं तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है। प्रोलैक्टिन बढ़ने का अर्थ है कि आपको ओवुलेशन नहीं होगा। कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं, कई लोगों को बहुत ज्यादा डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है तो वो एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं। लोग अक्सर ये दवा चुपचाप ही लेते हैं, किसी को बताते नहीं, इसलिए उनको मालूम नहीं चलता कि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो अगर आप एंटी डिप्रेसेंट ले रही हैं और बेबी प्लानिंग भी कर रही हैं तो उसे आपको पहले बंद करना होगा, अपने डॉक्टर से सलाह लेनी होगी, क्योंकि ये आपके ओवुलेशन को डिस्टर्ब कर रही है। दूसरी प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम है। मेट्रो सिटीज में ये कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इवन अब हमने ये केसेस गाँवों में भी बढ़ते हुए देखे हैं कि धूल से, आटे से, गेहूं की धूल से लोगों को छींक आती है और एलर्जी होती है, और ये अगर बिगड़ जाए तो फिर अस्थमा का रूप ले लेती है। तो ऐसे में जो अस्थमा पेशेंट्स हैं, अस्थमा की जो दवाइयाँ होती हैं उनसे भी कंसीव करने की क्षमता पर असर पड़ता है। अगर आप एलर्जिक हैं तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए, अपने एलर्जी के रीज़न को हटा देना चाहिए ताकि दवाएँ रुके और आप कंसीव कर सके। कभी पैर दुख रहा है, कभी सर दुख रहा है, तो ऐसी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जब आप मेडिकल से दवा खरीदते हैं और खा लेते हैं। पेन किलर्स, जनरल पेन किलर्स, कई पेन किलर्स तो गवर्नमेंट ने बंद कर दिया प्रोडक्शन, लेकिन आज भी साइड से वो मेडिकल में मिल ही जाती हैं आपको। तो अगर ऐसी आप दवाएं खाते हैं तो ध्यान रखिए वो स्टेरॉयड होते हैं, आपके ओवुलेशन इम्प्लांटेशन को डिस्टर्ब करेंगे, उन दवाओं को आप ना खाएं। आप हेल्दी डाइट फॉलो करें, एक्सरसाइज फॉलो करें, न्यूट्रिशन ठीक कर लीजिए, पेन नहीं होगा आपको। इसके अलावा बहुत सारे दवा जैसे केमिकल्स आप कहीं और से भी लेते हैं, वो एक खास जगह है, जैसे कि पानी का स्टोरेज। अगर आप प्लास्टिक की बॉटलों में जूस, पानी आदि रखते हैं फ्रिज में या फिर डेली रूटीन में रखते हैं तो बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए आज से ही, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन पर प्लास्टिक से केमिकल्स रिलीज होते हैं और वो पानी, वो फूड अगर आपने फ्रिज में प्लास्टिक में स्टोर करके रखा है तो वो उसमें आएगा और वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्टर्ब करेगा, तो आपके हॉर्मोन्स डिस्टर्ब होंगे। तो बीपीए से बचिए, प्लास्टिक को अपने घर से निकाल फेंकिए। इसके अलावा डिस्पोजल आइटम्स भी, अगर आप ऑफिस में सुबह शाम जाती हैं चाय, फिर शाम की चाय ऑफिस में आप डिस्पोजल्स में लेते हैं, इट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ले लीजिए, ओवरीज ले लीजिए, एड्रेनल्स ले लीजिए, सबको डिस्टर्ब करता है, तो डिस्पोजल्स का भी यूज आप ना करें। दवाओं की बात की है तो मैं कुछ कॉस्मेटिक्स की भी बताना चाहूंगी बात, कि जब आप क्रीम, लोशन, स्किन केयर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, शैम्पू खरीदते हैं, कंडीशनर्स खरीदते हैं, कॉस्मेटिक आइटम्स खरीदते हैं, तो जरूर उस पर लेबल पढ़ें पैराबीन फ्री होने चाहिए। पैराबीन्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपके हॉर्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, इनफर्टिलिटी के कारक हो सकते हैं अगर बहुत ज्यादा यूज करते हैं आप ऐसी चीजों को। तो पैराबीन युक्त चीजों को यूज ना करें, पढ़ ही कि उस पर लिखा हो पैराबीन फ्री, तब ही आप उनका प्रयोग करें। आशा है इन चीजों से आप बचेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और दवाओं को खाने की हैबिट को आप सुधार लेंगे। इसके अलावा बहुत सारी फीमेल्स हैं जो पीरियड्स में पेन किलर लेती हैं। पीरियड पेन को दूर करने का तरीका ये है कि आप पेन रिलीफ पैच लेते हैं जो पीरियड्स के लिए आते हैं स्पेशली, उसमें यूकेलिप्टस ऑयल, मेंथॉल वगैरह होता है जो यूट्रस को हील करता है, लेकिन टेबलेट्स नहीं खानी, वार्म कॉम्प्रेस देना है, थोड़ा पैदल चलना है, अदरक या अजवाइन की चाय पीनी है, बट मेडिसिन को कोशिश करना है कि आप करें। आप चाहें तो ओमेगा 3 सोर्सेस खा सकते हैं, उसके सप्लीमेंट ले सकते हैं, जिससे कि पेन में आपको रिलीफ होगा और दवा नहीं खानी पड़ेगी। मेन कंसर्न है हमारा उद्देश्य कि हम आपको दवा से बचा सके। होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।